कैसा भैया बाबा? हमारा नेता कैसा हो? कैसा भैया बाबा? आगामी 24 तारीख को जो रैयामपुरी पंचायत के लिए इलेक्शन है उसमें आए और मुखिया पद के लिए मुझे यानी कि अपने अपने बेटा को, अपने भाई को, मदन मिश्रा मुन्ना भैया को पुल छाप पर 5 नंबर पर बटन दबा के भारी मतों से जिताए। घर घर से आती आवाज, मदन मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया है तैयार, जीतेगा भाई जीतेगा, मुन्ना भैया जीतेगा। हम पहुंचे हैं पंचायत की बात आपके साथ कार्यक्रम में, झंझारपुर प्रखंड के रैयाम पूर्वी पंचायत, और पूर्वी पंचायत से चर्चित मुखिया प्रत्याशी मदन मिश्र उर्फ मुन्ना भैया हैं। इनका एक स्लोगन है, जब मदन मिश्र मुन्ना भैया हो तैयार तो क्यों करे विचार। हम बात करते हैं मुन्ना मिश्र जी से, और आपका जो चुनाव का जो मुद्दा है, आपने जो संकल्प लिया है, आपका जो घोषणा पत्र है, वो बताइए। नमस्कार, आपका स्वागत है, केआर न्यूज़ का स्वागत है हमारे पंचायत में, रैयामपुरी पंचायत में, पट्टीटोल ग्राम में। संकल्प यही है कि इस पंचायत का बदलाव हो, बहुत कुछ चेंज करना है। मतलब जो सिस्टम बना हुआ है, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो सिस्टम आगे तक नहीं पहुँचा पाते हैं। सबसे पहले उसको शुरुआत करना है, उसके बाद जो भी दिक्कत है गांव के पंचायत में, मैंने लगभग इस 15 दिन के भ्रमण में बहुत कुछ देखा है हर जगह, चाहे हमारे पट्टी टोल में हो, लक्ष्मीपुर में हो, चाहे कथना में हो, मोहनपुर में हो, ये जो चारों गांव है या टोल हमारे जो है, उनमें बहुत दिक्कतें हैं। खासतौर से 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड और भी है, जैसे 10 नंबर, 11 नंबर। मैं अभी जस्ट 11 नंबर से 10 नंबर से घूम के आया हूँ, जो मुसारी टोली है उसमें मैंने घूमा है, और उसमें मैंने देखा है कि वहाँ पे दिक्कत है क्या है कि पानी का व्यवस्था, मतलब बाढ़ अगर हल्का सा बारिश हो जाए तो इतना भयंकर वहाँ रहा है, रास्ता सड़क नहीं है। वहाँ के गांव के मुखिया हैं, जो करंट मुखिया अभी हैं, वो बहुत दिनों से हैं, 10 साल से हैं, लेकिन उन्होंने उतना काम नहीं किया है। उनकी जो महिलाएँ हैं बहुत परेशान हैं। तो पहला जो है कि रास्ता बने ताकि कनेक्टिविटी को जोड़ा जाए, इस पंचायत से इस पंचायत को, या इस गांव के इस गांव से जोड़ा जाए, जिला से जोड़ा जाए, और अपने जो देश के जो है पूरे सबको सर्वांगीण विकास के लिए हमारे गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा जो प्लानिंग है, जो फर्दर जो हमारा जो संकल्प लिया है मैंने, जैसे कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है प्रधानमंत्री जी का, वो सब तक नहीं पहुँचता, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मुक्त कराना है। उसके बाद आपका जो है, जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनको किसान में जो खेती में जो फसल बीमारी लग जाता है उसमें उनको उपाय दिलाना है। सड़क हो गया, विवाह भवन हमको बनाना है, बहुत सारा संकल्प मेरा है जिसमें विवाह भवन हमारे बनाना है। हमारे पंचायत में अभी पंचायत भवन तक नहीं बना है, आज 2001 से नया जो चलन चला है पंचायती राज का, वो हमारा बना नहीं है। तो कोशिश है कि साल दो साल के अंदर में, जगह होते हुए भी हम बना नहीं पाए हैं, तो हमको बनाना है, ये मेरा संकल्प है। और जो भी अपना उनका जो प्रॉब्लम है, जैसे कि राशन कार्ड नहीं है, किसी का राशन किसी को दिया गया है, किसी का राशन किसी को दिया गया है, वो हमको नहीं करना, हमको सबको विधिवत राशन कार्ड व्यवस्था सारा व्यवस्था देना है उनको, ये मेरा संकल्प है। पंचायत की योजना जो धरातल पर पहुंचनी चाहिए, सारी योजना पहुंचाएंगे मदन मिश्र मुन्ना भैया जी। और मदन जी, आप हमको बताइए कि आप अपने मतदाताओं को चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मतदाता भाइयों से यही अपील करना चाहता हूं कि 24 तारीख, आगामी 24 तारीख को जो रैयामपुरी पंचायत के लिए इलेक्शन है उसमें आए और मुखिया पद के लिए मुझे यानी कि अपने अपने बेटा को, अपने भाई को, मदन मिश्रा मुन्ना भैया को पुल छाप पर 5 नंबर पर बटन दबा के भारी मतों से जिताए। पुल छाप पर 5 नंबर बटन पे, ईवीएम के 5 नंबर बटन पे अपना आशीर्वाद रूपी मत देके जनता से मदन मिश्र मुन्ना भैया ने निवेदन किया है कि आशीर्वाद दे, और पंचायत का हम सर्वांगीण विकास करेंगे। उनका जो संकल्प है, वो जो घोषणा पत्र जो जारी किए हैं, उसमें जनता तक जो पंचायत सरकार के माध्यम से जो योजना पहुँचानी है, सारी योजना पर वो बात रखे, और जनता से जो अपील किए वो सारी बात आपको हम पंचायत की बात आपके साथ कार्यक्रम को लेकर दिखाने की कोशिश किए।
फिर हम मिलते हैं किसी अन्य पंचायत में किसी अन्य प्रत्याशी के साथ। तब तक आप बने रहे, देखते रहिए KR News Live। धन्यवाद।